उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती डालने वाले एक और बदमाश को एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में मार गिराया है। लखनऊ एसटीएफ की टीम की 1 लाख के इनामी बदमाश अनुज प्रताप सिंह को ढेर कर दिया है। अनुज का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। यह मुठभेड़ यूपी के उन्नाव जिले में हुई है। जानकारी के अनुसार सुल्तानपुर डकैती के आरोपी अनुज प्रताप सिंह और उसके साथी के साथ लखनऊ की एसटीएफ की टीम में मुठभेड़ उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में उन्नाव रायबरेली हाईवे से 500 मीटर दूर अचलगंज कलुहा मार्ग पर सोमवार को हुई। गोली लगने के बाद एक बदमाश घायल हो गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। यहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल में उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बदमाश की पहचान अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह के रूप में हुई है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सुल्तानपुर आभूषण दुकान डकैती मामले में दूसरा आरोपी सोमवार को उन्नाव के उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मुठभेड़ में मारा गया। एसटीएफ ने 5 सितंबर को एक अन्य आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया था जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताया था। फिलहाल फॉरेंसिक टेप और अंचलगंज पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। 28 अगस्त को सुल्तानपुर शहर के ठठेरी बाजार क्षेत्र में एक दुकान से करीब 1.5 करोड़ रुपए के आभूषण लूटे गए थे। खबरी चौखट की रिपोर्ट।